अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 के अंदर। जो क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। यहाँ पे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है हमारे पास, जो कि है 2/3, 1/2, 1/3 से लेके -17/6 तक। तो यहां आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि इस गिवन सीक्वेंस में जिसकी ये टर्म्स हो और लास्ट टर्म -17/6 हो, उसमें कितनी टर्म्स हैं। यानी कि हमें बेसिकली यहां पे द वैल्यू ऑफ एन फाइंड आउट करनी। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। इस सवाल में एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो गिवन डेटा है हमारे पास, पहले वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो चीज़ें गिवन है हमारे पास वो क्या हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे हमें सीक्वेंस गिवन है। अगर हमें एन की वैल्यू मालूम करनी है और ये अगर एक गिवन, यानी कि ये गिवन सीक्वेंस हमारी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो ऑब्वियसली हमें एन की वैल्यू जो है वो टी एन के फॉर्मूले से मिल जाएगी। तो हमने ये देखना है यहाँ पे कि टी एन के फॉर्मूले में कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो टी एन के फॉर्मूले में हमें टी एन रिक्वायर्ड होता है, ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म रिक्वायर्ड होती है, एन की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है और डी की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। तो यहां पे हमें टी एन गिवन है क्या, पहले तो ये देख लेते हैं। बिल्कुल जी, -17/6 है ये जो वैल्यू है, -17/6 ये टी एन, ये लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि 2/3 जो है वो हमारी फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ए की वैल्यू। एन तो हमें पता है कि फाइंड करना है, डी हम फाइंड कर सकते हैं जब हम अगली टर्म को पिछली टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमें डी की वैल्यू भी मिल जाएगी। मीन्स कि हमारे पास डेटा गिवन है, जो चीज़ें हमें चाहिए वो मौजूद हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे उनकी वैल्यूज को पुट करके अपनी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स को निकाल सकते हैं। तो जनाब गिवन वैल्यूज को लिखते हैं यहाँ पे, ए की वैल्यू 2/3, दूसरी बार डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, निकाल सकते हैं 1/2, यानी अगली टर्म को माइनस करते हैं पिछली टर्म के साथ, और इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो आपको ऑब्वियसली एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि 6 आ जाएगा, 2, 3, 6 और 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ तो 4 आएगा। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, -1/6। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लास्ट टर्म मैंने आपसे कहा, यानी कि टी एन की वैल्यू भी गिवन है हमें, वो है -17/6। तो डेटा हमारे पास ऑलमोस्ट सारा गिवन है टी एन के फॉर्मूले में पुट करने के लिए, और ये हमें पता है कि टी एन का फॉर्मूला क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं सारी वैल्यूज, यानी कि -17/6 इज इक्वल टू ए आपके पास 2/3, और ये प्लस एन फाइंड आउट करना है, डी हमारे पास है जी -1/6। तो -17/6 और ये 2/3 को यहां लेके आते हैं, तो ये -2/3 हो जाएगा, यहां आपके पास -1/6 को पहले लिख देते हैं और n माइनस वन यहां पे लगा देते हैं। इस साइड पे ऑब्वियसली हमें यहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली एलसीएम 6 ही आएगा, यहां पे -17 ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन यहां पे 3 है, 6 से डिवाइड होने के बाद 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 2 4 आ जाएगा, और यहां पे है -1/6 और n -1। ये 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा और यहां पे बचेगा -21 इज इक्वल टू -n-1। ऑब्वियसली यहां माइनस साइन भी माइनस साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी यहां पे वो बचेगी n-1 इज इक्वल टू 21, और n की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, 21+1, और n इज इक्वल टू 22। तो अब यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास सवाल जो गिवन था कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, तो उसके लिए हमने पहले एपी को लिख लिया अपना, और ये देखा कि एपी में हमें गिवन डेटा क्या क्या है और हमें रिक्वायर्ड क्या है। हमें टी एन के फॉर्मूले में बताया गया आपको कि 4 वैल्यूज चाहिए होती हैं, तो 4 में से 3 यहाँ पे गिवन थी, जो कि ए की वैल्यू, डी की वैल्यू और फिर टी एन की वैल्यू, यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू। तो इन तीनों वैल्यूज को यूज करते हुए हमने टी एन के फॉर्मूले में आखिर में जो वैल्यू निकाली है वो क्या निकली है, एन इज इक्वल टू 22। थैंक यू वेरी मच।